हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। आप आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2021 के एग्जाम में। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग कंसीडर ए प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम व्हिच हैज मास डबल द मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। दो चीज दिया गया है। वो जो एक प्लैनेट को इमेजिन कीजिए जिसकी की डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी के बराबर है, बट उसका मास जो है अर्थ के मास से क्या है, डबल है। मास ऑफ द प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ अर्थ, ये इंफॉर्मेशन है। और डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये दोनों इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज डब्लू, द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट अर्थ पे W है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट उस प्लैनेट के सरफेस पे कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी दोनों का सेम है, अर्थ का और प्लैनेट का, बट मासेस, हाउ कैन मासेस बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि जरूर दोनों प्लैनेट का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, और वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो मतलब क्या होगा, दोनों प्लैनेट का रेडियस डिफरेंट होगा। तो आइए हम रेडियस को सबसे पहले रिलेट करते हैं। तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले इसका मास लिखते हैं, प्लैनेट का मास। तो प्लैनेट का मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट। तो वॉल्यूम 4/3 इनटू पाई आर क्यूब। इसका मास, इसका रेडियस मान लेते हैं आर डैश। इस प्लैनेट का जो डिफरेंट प्लैनेट है उसका मास, उसका रेडियस मान लेते हैं आर डैश। तो ये हो जाएगा मास इनटू वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ द प्लैनेट। अब हम टू टाइम्स मास ऑफ अर्थ कर देते हैं, तो मास ऑफ अर्थ कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ का रेडियस हम आर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर डेस और आर में कुछ रिलेशन आ गया होगा, तो देखिए बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और अच्छा डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जो आपके पास आर डैश इक्वल्स टू 2^1/3 आर। ये रिलेशन आया, इस तरह से रिलेट होगा रेडियस। तो न्यू प्लैनेट का जो रेडियस होगा वो अर्थ के रेडियस से इस तरह से कुछ रिलेट होगा। अब हम वेट पे फोकस करते हैं, वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ कितना होगा, वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू एम जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हम वेट कैलकुलेट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इक्वल्स टू एम, सेम ऑब्जेक्ट है, इंटू जी डैश, उस प्लैनेट के सर्फेस पे एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू लिखते हैं एम इंटू जी एम डैश। एम डैश कितना है, यहाँ पर आ जाएगा उस प्लैनेट के का मास 2m। मास कितना है, 2m है ना, इसी वजह से 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ आ जाएगा me, और यहाँ पर 2 टाइम्स me आ जाएगा अपॉन उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर। उसका रेडियस कितना है, 2^1/3 आर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज एम इंटू 2 बार कर लीजिए इधर 2^, इसकी पावर कितना है 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2^1/3 और जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जी एम ई बाई आर, एम इंटू जी एम ई बाई आर स्क्वायर क्या था, तो आपका वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये कितना था, डब्ल्यू ई। तो यहाँ भी m इंटू एम जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर को डब्ल्यू ई से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2^1/3 इंटू डब्ल्यू ई। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए डब्ल्यू ई की, तो ये हो जाएगा 2^1/3 डब्ल्यू ई। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच